क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक बस है और उस बस का स्पीड डिक्रीज होता है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक, और ऐसा 5 सेकंड्स में होता है। तो हमने बताना है कि उस बस का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि बस का इनिशियल स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर, फिर वो डिक्रीज होकर के हो गया था 60 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि बस का इनिशियल स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर और हम इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं, इसलिए इनिशियल स्पीड यू होगा यहां पर 80 किलोमीटर पर आवर। और बस का स्पीड डिक्रीज होने के बाद में उसका फाइनल स्पीड हो गया था 60 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड को हम बी से डिनोट करते हैं, इसलिए फाइनल स्पीड बी को यहां पर हम लेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और यहां पर इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड हमें दोनों ही स्पीड्स किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो चलिए हम इन दोनों स्पीड्स को मीटर पर सेकेंड्स में एक्सप्रेस करते हैं। हम इन दोनों स्पीड्स को मीटर पर सेकेंड्स में दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया गया हो, तो जब हम उस स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्पीड मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर हमें इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो जब हम 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तब ये आएगा 85/400/18 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम फाइनल स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये 60 किलोमीटर पर आवर है वो 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। तब ये आएगा 65/300/18 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज होती है 5 सेकेंड्स में, यानी कि पूरे एक्शन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है 5 सेकेंड्स, और टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, इसलिए टी हमारा यहां पर होगा 5 सेकेंड। चलिए अब हम बस का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a = b - u/t। अब यहां पर डिनोमिनेटर में t है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t और फिर b - u। यहां पर 1/t एंड b - u प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है 1/t, t हमारा है 5 सेकेंड्स, तो यहां पर लिखेंगे 1/5 सेकेंड्स। आगे ब्रैकेट में है v - u, ठीक है। v हमारा है 300/18 मीटर पर सेकेंड, तो हम v की जगह पर लिखेंगे 300/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। फिर है u, और u हमारा है 400/18 मीटर पर सेकेंड, तो हम u की जगह पर लिखेंगे 400/18 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ब्रैकेट के बाहर है 1/5 सेकेंड्स। अब हम ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के भीतर है 300/18 मीटर पर सेकेंड माइनस 400/18 मीटर पर सेकेंड। हम इन दोनों फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 18 और 18 का एलसीएम आएगा 18, तो जब हम 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300, और मीटर पर सेकेंड तो है, बीच में माइनस तो है। अब जब हम इस 18 से इस 18 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, और आगे मीटर पर सेकेंड सही है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ब्रैकेट के बाहर है 1/5 सेकेंड्स, और ब्रैकेट के भीतर है न्यूमरेटर में 300 मीटर पर सेकेंड माइनस 400 मीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा माइनस 100 मीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में है 18। अब जब हम 5 से माइनस 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 20,
5 से माइनस 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 20। चलिए अब हम 2 से माइनस 20 को भी डिवाइड करेंगे एंड 18 को भी डिवाइड करेंगे, तो जब हम 2 से माइनस 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 10 और जब 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। तो अब ये आएगा, यहां पर हमारे पास में बचा है माइनस 10 अपॉन 9, फिर है यहां पर मीटर पर सेकंड और एक डिनोमिनेटर में सेकंड भी है तो डिनोमिनेटर अगर सेकंड के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम 9 से माइनस 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 1.11 एंड सो ऑन, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट तो ही है, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया माइनस 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्स। और एक्सेलरेशन पर जो ये नेगेटिव साइन है वो ये दिखा रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डिंग, ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। तो यहां पर हमने फाइनली बस का एक्सेलरेशन निकाल लिया और बस का एक्सेलरेशन आया 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्स रिटार्डिंग, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।